इतने प्रदूषण नियंत्रण के तमाम दावों के बाद भी सरकारी महकमे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां प्रदूषण रोकने में नाकाम साबित हुए जिला महिला एवं पुरुष अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। अस्पतालों के वेस्टेज का सही तरीके से निस्तारण न होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के बाद अस्पतालों पर 12-12 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रडार पर है। प्रदूषण नियंत्रण में निजी अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पताल भी नाकाम साबित हो रहे हैं। मुरादाबाद जिले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुरुष एवं महिला जिला अस्पताल पर प्रदूषण रोकने के प्रभावी इंतजाम करने में विफल रहने पर कुल 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 2016 में एनजीटी ने सभी अस्पतालों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकारी अस्पतालों ने अपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले सप्ताह अस्पतालों को सहमति पत्र लेने का नोटिस जारी किया था, लेकिन अस्पतालों ने इस पर भी किनारा कर दिया। जिला महिला एवं पुरुष अस्पताल की जांच पिछले महीने एनजीटी की एक टीम ने की थी, जिसमें अस्पताल प्रदूषण के मानकों में फेल साबित हुए थे। सरकारी अस्पतालों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एनजीटी के आदेशों के बाद भी नहीं लग पाए, जिससे अस्पतालों से निकलने के बाद प्रदूषित पानी पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। जिला अस्पतालों की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के मुताबिक मुरादाबाद जनपद के सरकारी अस्पतालों पर कार्यवाही के बाद अब निजी अस्पतालों की जांच की जा रही है और एनजीटी के सख्त आदेश है कि मानकों को पूरा ना करने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की जाएगी। ये भी जिला चिकित्सालय महिला और पुरुष के खिलाफ हम लोगों ने पर्यावरणीय फाइन जो अधिरोपित किया है, वो वजह यह है कि ये बायोमेडिकल रूल्स के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे। इनके वहाँ सेग्रीगेशन की व्यवस्था भी उचित नहीं पाई गई और जो प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र इनको लगाया जाना है वो इनके वहाँ अभी तक लगाए जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बारे में इनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की सूचना उन्होंने नहीं दी है हमको। कितना जुर्माना सर दोनों अस्पतालों? लगभग 12.5 लाख रुपये दोनों पर लगाया गया, 12.5 लाख 12.5 लाख लगाया गया है। और इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी 14 लाख रुपये लगाया गया है। और ये कार्रवाई भी हमारी जारी रहेगी, क्योंकि माननीय एनजीटी के ने कहा है कि जो बायोमेडिकल रूल्स का अनुपालन जो एससीएफ नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक तो विशेष न्यायालय प्रदूषण में केस भी फाइल किया जाए और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने इनके अभी ये तीन हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। सर, जिस तरह से देखने में आता है कि जिले में ऐसे कई अस्पताल हैं, निजी अस्पताल भी हैं, साथ में सरकारी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है कि नियम कायदों को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उनके मतलब जो प्रदूषण को रोकने के उपाय होने चाहिए वो नहीं किए गए हैं, ऐसे में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के एक्शन मोड में है विभाग? देखिए, अभी हम लोगों ने इसमें जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है या मेडिकल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने के लिए एक वर्कशॉप भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में की थी। सभी वहाँ पर जितने डॉक्टर्स थे या मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग थे उनसे प्रॉपरली उन्होंने इंट्रैक्शन किया था, उनको बताया भी था कि क्या एनजीटी ने क्या निर्देश दिए हैं और हमारे बायोमेडिकल रूल्स के प्रावधान क्या हैं, और उनकी समस्याओं को भी हम लोगों ने समझा था और सुलझाने की प्रयास किया था। लेकिन अभी हम लोगों का जो उसके बाद का ये अनुभव ये रहा है कि अभी तक काफ़ी लोग उसके बारे में सचेत नहीं हुए हैं और अभी तक हमें जो जैसे उत्पाद शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किया जाना है उसके बारे में अभी तक उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मजबूर होकर के फिर जो एनजीटी ने निर्देश दिए हैं उसके खिलाफ उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। अभी एनजीटी द्वारा गठित एक समिति के चेयरमैन हैं माननीय न्यायमूर्ति रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं जस्टिस अरुण टंडन साहब, वो पिछले माह आए थे। उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें उन्होंने पाया था कि जिला अस्पताल में जो प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र नहीं लगाए गए हैं तो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इन दोनों अस्पतालों के खिलाफ पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोधित कर दी है। उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।